नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूँ ऐसे दमदार सवाल कि आपको करके मजा आ जाएगा। और ये सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस के। और सबसे बड़ी बात ये सारे के सारे सवाल एग्जाम के ही हैं। सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। हमारी पूरी तरीके से कोशिश है कि आप तक ऐसा कंटेंट पहुँचाया जाए जो आपको कहीं नहीं मिलता, और किताबों में भी करने पर ऐसी चीज़ें ना मिलती हो पर पेपर में आती हो। तो गिनती के 6 सवाल हैं, और 6 सवाल में ऐसा लगेगा कि वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये इधर देख लेते हैं, रेलवे का क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। अगला सवाल देखते हैं, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली पुलिस SCM का क्वेश्चन है। उससे अगला सवाल देखूं अगर मैं तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। उससे अगला सवाल अगर मैं देखता हूं तो सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, और उससे अगला सवाल फिर CRPF SCM का क्वेश्चन है। बस ये सवाल है आज के। और क्वेश्चन की लेंथ देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो आते हैं पर हम सोचते हैं कि छोड़ कर ही जाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनकी चैलेंज देख लेते हैं इनका। एक इंजन बिना डब्बे के 50 की स्पीड से प्रति घंटा चल सकता है, उसकी स्पीड 50, इससे वो चल सकता है। और उसकी स्पीड जिस मात्रा में कम होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वेगन अटैच, जो डब्बे उसके साथ अटैच हैं उसके स्क्वायर रूट पर निर्भर करती है। यानी अगले पेज पे ले लेता हूं, कमी स्पीड में जो कमी है वो किस पे निर्भर कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स यानी डब्बे। ठीक है, अब उसने क्या बोला, यदि 25 वैगनों के साथ इसकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मेरे को कभी भी स्पीड निकालनी है तो भैया 50 तो उसकी ऐसी थी कि बिना डब्बों के साथ, ठीक है, पर जब डब्बे आ जाएंगे तो कम होगी, तो कमी को मैं ऐसे लिख दूंगा के रूट एन। तो देखिए कमी को, डिक्रीज को जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां पर के लगाना पड़ेगा और रूट एन हो जाएगा, यानी इस मात्रा में वो कम हो रही है। तो 50 थी, इतनी कम हो गई, तो किसी भी वक्त आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, अब वो बोलता है 25 डब्बों के साथ, यानी एन की वैल्यू 25 है तो स्पीड कितनी है, 35 है। ठीक है, यानी ये कितना आ गया, 50 - 5K बराबर 35। भाई यहाँ 35 कब आएगा, जब यहाँ 15 होगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है जी, पर क्वेश्चन तो ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, तो जोड़े जा सकने वाले वैगनों की अधिकतम संख्या क्या है यदि गति 11 से कम नहीं होनी चाहिए। स्पीड आपको कितनी चाहिए, 11। ठीक है, फॉर्मूले में डाल दी मैंने 11, 50 इसकी स्पीड थी, k की वैल्यू 3 है। अब डब्बों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए ये मेरे को निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर 11 आ रहा है तो इसका मतलब है 3 गुणा यहां पर क्या होना चाहिए, 13। 50 में से 39 जाएगा तो 11 आएगा। मैं रिवर्स ही देखता हूं बहुत जगह, तो रूट एन की वैल्यू अगर 13 है तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 169 आ जाएगा, 169 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, 169 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत शानदार सवाल है, रेलवे में आया हुआ है, सोचिए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो सीजीएल में क्यों नहीं मिल सकता, भाई डेफिनेटली मिल सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि रेलवे में आया, पहले भी SSC के काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएल प्री में आया भाई साहब 2023 में, आइए देख लेते हैं। आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। भाई 50 की गति से 5 घंटे, 50 की स्पीड और 5 घंटे, कितनी दूरी हो जाएगी, 250 किलोमीटर। ठीक है जी, दूसरे अंतराल में गति 20% बढ़ा दी, 50 की जगह कितनी कर दी, 60 कर दी। 20% बढ़ाने का मतलब यही है, 50 से 60 हो जाना। ठीक है, जिसके कारण मैंने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी,
अब 20% अधिक दूरी का मतलब क्या है, 1/5 अधिक यानी 300 किलोमीटर हो गई। यहाँ पर भी समय कितना लगा, 5 घंटे ही लगा मेरे को। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे लेग को पहले 2 लेग की औसत गति से तय किया और दूसरे लेग की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय गई है, यानी जो तीसरा लेग है इसमें 10% अधिक दूरी यानी 330 किलोमीटर हो गया, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात जो उसने बोली है कि भैया जो स्पीड है ना वो पहले और दूसरे की औसत स्पीड है। ठीक है, पहले 2 लेग की औसत गति से तय किया है, तो पहले 2 लेग की औसत गति कितनी आएगी भाई? औसत गति हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो ये कितना हो गया 550 और ये कितना हो गया 10, यानी 55 की स्पीड से तय करी है उसने यहाँ पर। ठीक है, 55 की स्पीड से, और मैं डायरेक्ट भी देख सकता था क्योंकि समान समय है कि भैया ये भी 5 घंटे ये भी 5 घंटे, ये 50 की स्पीड है ये 60 की स्पीड है, तो अगर टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड इसकी आधी आ जाती है, मिड पॉइंट हो जाता है 50 + 60/2, तो मैं डायरेक्ट भी देख सकता था कि ये 55 आ जाता। ठीक है, अब 55 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। अब वो उसने क्या पूछा है, टोटल कितने समय लगा, तो 5 और 5 10 और 6 16, 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो CGL प्री 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार और लाजवाब सवाल है। ठीक है, पहली बात तो पढ़ने में ही इसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, बहुत शानदार सवाल है आज की क्लास में। दिल्ली पुलिस SCM, ठीक है, आइए देख लेते हैं, सवाल अच्छा लग रहा है काफी। एक चोर ने एक चोरी करी ज्वेलरी शॉप पर और 2 किलो सोना चुरा लिया, शॉप जो है 1125 मीटर दूर है पुलिस वाले से, ये शॉप है ये पुलिस वाला है, चोर ने यहां से एक्स की स्पीड से भागना शुरू किया जी, पुलिस वाला ने इसे चेस करना शुरू किया 11 की स्पीड से जी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस वाले ने इसे 810 सेकंड में पकड़ लिया, तो आपको बताना है कि भाई डिस्टेंस रन बाय थीफ, चोर ने कितनी दूरी तय करी है, ध्यान से देखना पहली बात तो। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए पहले तो ये देखते हैं चोर पकड़ा कब जाएगा, तो टाइम बराबर हो गया 810 सेकंड हमारा। ठीक है, तो 11 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 1125 बटा 810 सेकंड। ठीक है, ये क्या आया, ये मीटर पर सेकंड में आया आपका, क्योंकि ये मीटर था और ये सेकंड था, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18/5 भी करेंगे यहाँ पर, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। अब मैं काट लेता हूँ, 9 से काटा मैंने 90 आ गया, 9 से काटा 2 आ गया, फिर 9 से काटा 10 आ गया, फिर 9 से काटा 125 आ गया, 5 से काटा मैंने 25 आ गया, और 50/10 यानी 5 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी। ठीक है, जो चोर की स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब आपको ये बताना है चोर ने कितनी दूरी तय करी भाई, पकड़ा कब जा रहा है ये, 810 सेकंड में, तो 810 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 6 × 5/18 मीटर पर सेकंड कर दिया पहले मैंने, फिर 810 सेकंड कर दिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से हमारा आंसर आने वाला है, पहली बात तो लास्ट में 0 आएगा, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, बिल्कुल 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। दूसरी बात, 9 × 2 = 18, 9 × 81, 9 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है अगर ध्यान से देखें तो। आप अगला क्वेश्चन आया ये हमारे सामने भाई साहब, ये तो बहुत ही जबरदस्त सवाल लग रहा है, आइए देखते हैं, मेज का सवाल है। एक चोर ने एक आइटम चुराई
और 20 की स्पीड से भागना शुरू किया। ठीक है जी, पुलिस वाला जहां पर चोरी हुई थी 6 मिनट बाद आया। ठीक है, 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? पहले तो यही निकालना पड़ेगा, 20 गुणा 5/18। एक सेकेंड, 60 मिनट में 20 किलोमीटर डायरेक्ट ही करते हैं ना, तो 6 मिनट में कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर तय कर चुका है ये चोर, यहाँ पर है 20 की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, यहां से पुलिस वाला आएगा। अब ध्यान से देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई 24 मिनट के बाद जब पुलिस वाला शुरू हुआ उसके बाद भी 400 मीटर का गैप है उन दोनों के बीच में। ठीक है, यानी 24 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय हो चुकी है? 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर है। पहले जो गैप 2000 का था अब वो 400 मीटर का बचा, यानी 1600 मीटर तय हो चुका है। कितनी देर में बताइए? 24 मिनट में। ठीक है, तो 8 से काटता हूं, 3 आएगा, 200/3। ये क्या आ गई? नेट स्पीड आ गई आपकी पुलिस वाले की, और इसकी घटाऊंगा तो ये आएगी। पर ये तो मीटर पर मिनट में, हमें पता है 50 मीटर प्रति मिनट किसके बराबर होता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के। तो ये तो 200 है, 200 का मतलब हो गया 12/3, तो 12/3 का मतलब आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी, यानी पुलिस वाले की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है भाई? दो ऑप्शन तो लग रहे हैं मेरे को, ये और ये। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई साहब? अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा? आइए देख लेते हैं। पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा कितने मिनट बाद? 24 मिनट बाद, 24 और 6, 30 मिनट बाद। ठीक है, नहीं खुद के स्टार्ट होने से 24 मिनट बाद पकड़ा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप विद द थीफ, यानी यहां पर कहीं पकड़ा गया ये। ठीक है, तो आपको बताना है कितनी दूरी पर वो पकड़ा गया। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर वो पकड़ा गया यानी 24 मिनट बाद पकड़ा गया, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, 60 मिनट में 24 किलोमीटर, और 24 मिनट में कितना? 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है मेरे को, यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, पकड़ा थोड़ी गया है ये पकड़ा नहीं गया अभी। ठीक है, ये पकड़ा तो नहीं गया अभी, अभी तो हमने निकाला पुलिस वाले की स्पीड गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि पकड़ा जाएगा कब। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसने ये पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप विद द थीफ, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो 24 मिनट है ये तो गैप का है कि 400 मीटर जब गैप बचा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि यहां पर तो हमें पता है कैसे करते हैं, स्पीड का अनुपात देखें पुलिस वाले का और चोर का, तो 24 और 20 हो गया भाई, टाइम तो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि पकड़ा जा रहा है तो टाइम सेम होगा, 24 मिनट ये भागेगा यहाँ से, 24 मिनट ये भागेगा, 24 मिनट तो भूल ही जाइए, टी टाइम भागेगा। 24 मिनट दिमाग में आ रहा है बार बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कॉमन नहीं है। ठीक है, कि 400 मीटर का गैप बचा है तो टी टाइम बाद। ठीक है, और हम कहते हैं डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, 24 और 20, और इन दोनों के बीच जो गैप है वो कौन सा है? 2000 मीटर का, 2 किलोमीटर का, तो 4 की वैल्यू है 2 किलोमीटर।
ठीक है, तो 24 की कितनी आएगी, 24 की आ जाएगी 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे 24 वाला क्यों निकाला मैंने, भाई 24 वाला इसलिए निकाला क्योंकि जहां पर क्राइम हुआ था ना वहां से बताना है किस पॉइंट पे पकड़ा जाएगा। अगर आप 20 की वैल्यू निकालते तो उसमें 2 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा आपको, तब आंसर आएगा। ये अगला क्वेश्चन सीजीएल प्री 2022 का, आइए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढने से भी आराम से नहीं मिलते, देखिए ठीक है, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट है ऐसा, पर पेपर में एकदम आ जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप पहले से करके जाएं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे फील्ड ट्रिप पे गए, 6 की स्पीड से वह 2 घंटे बाइक चलाते हैं, फिर 2 की स्पीड से 1 और घंटा चलते हैं, फिर आधे घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर लंच 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर लंच करते हैं आधे घंटे का, फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वॉक करते हैं 1 घंटे गार्डन के विजिट के लिए, फिर फाइनली 4 की स्पीड से वे वापस आते हैं 3 घंटे के अंदर। तो औसत स्पीड आपको बतानी है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट डेसिमल। तो आइए देख लेते हैं, भाई बड़ा सवाल है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम कहां कहां नजर आ रहा है, देखिए 2 घंटा, 1 घंटा, ठीक है, फिर 1 घंटा, फिर आधे घंटे का लंच, फिर 1 घंटा और फिर 3 घंटा। तो कितना टाइम हो गया, ये हो गया हमारा 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और आधा 8.5, 8.5 घंटे हो गए, मैंने डायरेक्टली लिखा ये। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 6 × 2 12 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, फिर 1 घंटे का रेस्ट इसमें तो कुछ नहीं चलेगा, आधा घंटे का लंच इसमें भी कुछ नहीं चलेगा, फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 1 घंटे के लिए। तो 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में करोगे तो 18/5 आ जाता है या 3.6 आ जाता है। तो मैं 3.6 ही ले लेता हूं, इसकी स्पीड से 1 घंटा यानी 3.6 ही हो गया, फिर 4 की स्पीड से 3 घंटा यानी 12 हो गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, 12 12 24 2 26 3 29 29.6 बटा 8.5। ठीक है, अब मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया जो औसत स्पीड है वो सी ऑप्शन ही हो सकता है, और कुछ तो हो भी नहीं सकता इसके अंदर, 8 × 3 = 24 होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, दिमाग वाली ध्यान से देखना, अगर मैं एक चीज और बताता हूं यहां पर जो मुझे अभी ध्यान आ रही है, दिमाग वाली, ये कैलकुलेट कुछ करना ही ना पड़े। देखो भाई यहां औसत स्पीड कितनी है, 6, यहां कितनी है, 2 है, फिर आराम का मतलब है 0 की स्पीड, फिर भोजन का मतलब है 0 की स्पीड, इसका मतलब है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ठीक है, ये भी स्पीड हो गई, फिर 4 की स्पीड हो गई। अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा कुछ भी, मैं केवल डाटा देखता हूं, भाई 6 की स्पीड, 2 की स्पीड, 3.6 की स्पीड, 0 की स्पीड, 0 की स्पीड, 4 की स्पीड, तो भैया जो एवरेज होगा, ठीक है, जो एवरेज आएगा, देखिए 0 पॉइंट कुछ तो नहीं आएगा क्योंकि काफी सारी स्पीड भी है, 6 वाली, 2 वाली, 3.6 वाली, 4 वाली, तो ये तो आएगा नहीं, ये संभव नहीं है। भाई जब मैं 3 से 3.6 से 4 से 2 से 6 से चल रहा हूं तो मेरी जो रेंज रहेगी एवरेज स्पीड की वो 0 से बड़ी रहेगी और 6 से छोटी रहेगी। तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा वाला आंसर देखूंगा मैं। ठीक है, 0.28 मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि हायर वैल्यू मेरे पास काफी ज्यादा है, 6 वाली भी है, 2 वाली भी है, 3.6 वाली भी है, 4 वाली भी है, ठीक है, जिसमें मैं काफी काफी देर के लिए चला हूं। जो 0 वाली है उसमें तो मैं 1.5 घंटा और आधा घंटे के लिए चला हूं, बस जी चला मतलब रेस्ट पे हूं। ठीक है, तो केवल दिमाग लगा के भी इसका आंसर हो सकता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, ये है सीआरपीएफ एससीएम का, आइए देखते हैं। कमल ने एक रोड ट्रिप स्टार्ट करी अपनी गाड़ी से और कांस्टेंट स्पीड से चला 75 की से। ठीक है जी, 75 की स्पीड से चल रहा है ये,
और एक्स परसेंट यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसने अपनी आगे की यात्रा आधी स्पीड से तय करी, यानी 75/2 की स्पीड से, ठीक है। तो आपको बताना है कमल की औसत स्पीड क्या होगी एक्स की टर्म्स में, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई, अगर ये एक्स परसेंट है, ये 100 - x% होगा भाई साहब। अगर एवरेज स्पीड मेरे को निकालनी है तो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100% है बटा टोटल टाइम, एक्स बटा 75 प्लस 100 - x बटा 75/2, ठीक है। परसेंट परसेंट तो कट ही जाएगा, यहां भी परसेंट आएगा, यहां भी परसेंट आएगा, कट जाएगा। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 75 75 75 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, एक्स प्लस 2 × 100 - x, ठीक है। ये कितना हो गया, 7500 / 200 - 2x + x 200 - x ऑप्शन में है गया भाई साहब, ये है बिल्कुल, ये जी ये रहा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ये परसेंट कैसे काट दिया मैंने, क्योंकि यहाँ भी परसेंट होगा, यहाँ भी परसेंट होगा, कई बच्चों को डाउट आ सकता है, इसलिए इस परसेंट से ये तीनों कट गया, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, आप अपनी तरफ से टोटल डिस्टेंस भी मान सकते हैं कुछ तो भी बात फर्क नहीं पड़ेगा, आप 150 मान लो सबसे बेस्ट है, 75 से भाग होने वाला, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, देखिए x परसेंट 100 - x% टोटल हो गया 100%, 100% टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकाला, परसेंट से परसेंट काटा, 2 ऊपर चला गया, 75 ऊपर चला गया, फाइनली ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो भैया दिल से लाइक करना, जिससे इस तरीके के और भी सेशन मैं आपके लिए लगातार लाते रहूं। अब एग्जाम आने वाला है तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ढूंढ ढूंढ के निकालने की, ठीक है। पर आप लोगों का सपोर्ट लगातार चाहिए, आप लोग अगर चाहते हैं तो ही मैं ऐसे सेशन लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम निकाल कर चुन के निकालना पड़ता है इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में ऐसी रखी हुई है, आप 500 क्वेश्चन देखोगे ना तब जाके एक क्वेश्चन निकलता है ऐसा इस क्लास के लिए, क्योंकि सारे आम क्वेश्चन मिलते हैं, एक अलग क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको भी कोई टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि सर ये वाले टॉपिक पे भी क्लास बना दीजिए तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और दिल खोल के लाइक ज़रूर करना, जिससे कि हमें भी लगे कि बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है, तो इस तरीके की और वीडियोस आप सबके लिए लाई जाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।